हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट करेंगे बच्चों। तो ये वर्कशीट नंबर 92 है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम फ्री फॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो ये कुछ हाइट तक जाता है। जैसे कि सपोज एक बच्चे ने कोई भी बॉल फेंक दी, तो ये बॉल जब ऊपर जाएगी तो किसी एक हाइट तक ही ये बॉल जाएगी। ये किसी हाइट तक बॉल जाएगी, देन उसके बाद ये अर्थ की तरफ नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो जब ये गिरती है, वेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फोर्थ अलोन, यानी जब खाली ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की होती है उसके प्रभाव से कोई बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, देन इट्स मोशन इज टर्म्ड एज फ्री फॉल। तो इस तरह के मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। सो ड्यूरिंग फ्री फॉल, जब कोई भी फ्री फॉल होता है, देन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन द सेम। डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं सेम ही रही, बट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। पर जो वेलोसिटी थी नीचे आने की ऑब्जेक्ट की, वो जो क्या हो गई, उसमें चेंज आ गया। पहले जो कम आ रही थी अब वो ज्यादा हो गई, एक्सेलरेशन बढ़ती ही चली गई और वो जल्दी से नीचे आ गई। तो व्हेन दैट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो एक्सेलरेशन होता है फ्री फॉल के दौरान, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय जी, इसको जी के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इसकी यूनिट है, यानी ऐसा यूनिट है, एम बाई एस स्क्वायर। तो आप इस तरह से लिख देंगे। अब इक्वेशन प्रूव करनी है कि हाँ भाई ये कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो लेट एम जो है मास है अर्थ का, एंड एक और ऑब्जेक्ट है कोई भी जिसका मास है स्मॉल एम। तो लेट डी जो है ये डिस्टेंस है इनके बीच का, एंड अर्थ सेंटर है। एफ बी जो है फोर्स है अट्रैक्शन की। तो आप लोग फोर्स का फॉर्मूला लिख देंगे इस तरह से और इसको 1 मार्क कर देंगे। अब फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो आपने सीखा था, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है मास एंड एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एक्सेलरेशन, जिसको जी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल होगी एम इंटू जी के। तो आप रिप्लेस कर देंगे फोर्स को एम जी से और ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। सो आप लोगों का जब ये आ जाएगा तो एम से एम यहाँ पे कट जाएगा और ये आपका फॉर्मूला पूरा बन जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसको सिंपली लिख देंगे, ये आपका फॉर्मूला आ गया। जी जो है स्मॉल जी इक्वल है जो कांस्टेंट जी की वैल्यू है इंटू एम बाय आर स्क्वायर के। तो अब ये पूछा गया, एज द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, कि जो अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है क्योंकि यहाँ पे चपटी है ज्यादा, बल्कि यहाँ पे जो है वो थोड़ी ज्यादा गोल है। एज इट्स रेडियस आर इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स, आप लोग देख सकते हैं इसका रेडियस पोल से ज्यादा बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, फिर इक्वेटर पे बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ जी होती है बिकम ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर। ये जो इस तरह से बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, जो पोल्स है वहां पे जी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेडियस पोल्स पे कितना कम है, वहीं ये इक्वेटर है, यहाँ पे कितनी ज्यादा हो गई है। तो ये होता है हमारा क्या, ओ पॉइंट, जिसको कहा गया है हमारा इक्वेटर। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे पोल्स पे ज्यादा है हमारा क्या, जी की वैल्यू। अब व्हाट इज फ्री फॉल, सो व्हेन अ ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। सेकेंड, वॉट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है। दो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी डिफाइंड एट द रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेज, यानी कोई एक वेलोसिटी जिसपे कोई जो बॉडी गिर रही है वो कैसे इंक्रीज हो रही है। एंड वॉट इज इट्स एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको डिराइव करना है जी का फॉर्मूला। तो हमने जो जी का फॉर्मूला अपर ही डिराइव किया है, आप लोग वो ही फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करके दिखाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, फोर्थ है कि वाई द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एज पोल्स।
अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, हमने ऊपर भी बात जानी, एंड फ्लैटेंड एज अ पोल्स, एंड देन इट हैज मोर रेडियस ऑन द इक्वेटर. सो वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी एक जगह कम होगा तो एक जगह ज्यादा होगा, यानी इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, जब इक्वेटर पे रेडियस हमारा ज्यादा हो जाएगा तो जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी, वो हमारी कम हो जाएगी. वहीं अगर रेडियस कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी. सो इसी वजह से जो रेडियस है कम है कहाँ पे, पोल्स पे, और इसी वजह से ग्रेविटेशनल जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ज्यादा है. तो यही बात समझाई जा रही है. ऑन व्हाट फैक्टर्स द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स लोकेशन. तो आप लोग इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे. अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग बच्चों, तब तक के लिए बाय एवरीवन. वर्कशीट पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर.